जगह जगह से जगह मतलब पूरे हिंदुस्तान और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं, तो हमें रहना कैसे आपस में वो दिखाते हैं। पर शुक्राना है प्यारी सत्संग जी, शुक्राना ही करना है क्योंकि शुक्राने का भाव ही भगती है। क्योंकि प्यारी सत्संग जी, सतगुरु माता जी ने यही सिखाया है कि जब भगती विच शुक्राना मिल जाता है तो जीवन जीन का होर मजा आ जाता। फिलहाल आज समागम का दूसरा दिन है, आज 17 तारीख है और कल थी 16 तारीख। पहला दिन समागम का जो है कल का था, तो मेरे लोगों से यही रहेंगे, श्रद्धालुओं से सवाल यही रहेंगे कि उन्होंने जो कल का जो समागम का जो क्या विचार उन्होंने जो है ग्रहण किए हैं, और इसी चीज़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे क्या उनके कल जो है किस तरीके की जो है शिक्षा प्राप्त उन्होंने यहाँ से की है, गुरु माता के द्वारा क्या कुछ सोचते हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। एक मिनट रुकोगे जी, कहाँ से आए जी आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हाँ जी। इस साइड से मालूम। अच्छा, कल तो पहला दिन था समागम का है। हाँ जी। तो क्या नाम है जी आपका? राहुल। आपका जी? साधना। संधना। अरे आप साथ में ही हो सारे के साथ? हाँ जी, साथ है। अच्छा बताओ, कल पहले कब से जुड़े हो आप यहाँ? हमें तो हो गया जी तीन साल हो गए। तीन साल हो गए जी। तो आप हमारे जो पुरजोग हैं वो तो कम से कम काफ़ी टाइम से। अच्छा, तो क्यों कैसे जुड़ा हुआ था पहले? पहले वो गांव से थे, तो गांव में अपना जो भी सत्संग होते थे इसके वजह से अपना लगे पड़े थे पहले से ही। तो उससे पहले कहाँ जाते थे? उसके पहले तो हम तो अपने जहाँ पे लगता है भवन पे, हम वहाँ पे जाते थे बस यही है। पहले कौन से इसको मानते थे? इससे पहले तो दिल्ली में लगता था समागम, बुराड़ी में लगता था ना, वहाँ भी जाते थे दिल्ली में। तो इससे पहले किस सत्संग में जाया करते? इससे पहले किसी भी सत्संग में नहीं जाते थे, निरंकारी सत्संग में ही हमने जाया। हाँ जी। वैसे आप हिंदू धर्म से हो गए? हाँ जी। बताओ, कल जो पहला दिन था समागम का, उसमें क्या क्या कुछ आपने सीखा है और क्या कुछ बताया गया? बहुत कुछ बताया गया है महापुरुषों, सबसे मतलब काफ़ी अच्छा है ये निरंकारी सत्संग। नहीं बताओगे ना, वो मैं समझ नहीं पाया ना, यही सब यही बात बोला कि काफ़ी अच्छा बताया गया। क्या बताया गया? बहुत वो आपने तो सुना होगा ना, कल आए हो गए? कल आए जी। अभी तो कल का हमारा पहला दिन था। हाँ। तो अभी तो हमने कहीं गए नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं अभी तो। अच्छा जी, जी। तो कल मतलब आपने सुना नहीं कुछ समागम? कुछ हमने सुना है, गुरु ने हमें यही बताया है कि पहले किसी अगले बंदे को ही पहल देनी है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है एक दूसरे को देख के। ठीक है जी। और गुरु के बताए हुए रास्ते पे भी हम चलकर अपने परमात्मा को ही जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर। तो फिर क्या क्या कुछ बताया, किस तरीके से जो है ये अभ्यास करना है? सिमरन, गुरु ने हमें सिमरन विस्तार से असीम की ओर। अच्छा जी, ये पहला विषय है। ये एक श्लोक है सिमरन किसकी ओर? विस्तार से असीम की ओर। इसका मतलब क्या है जी, आप कुछ बताओ? विस्तार का मतलब है जैसे तमाम लोगों के दिल में गांठ बनती है कि ये फला बिरादरी है, ये फला गोरे रंग का है या ताकतवर है या पैसे वाले हैं, ये अमीर है गरीब है, इनको छोड़ करके एक परमात्मा की ज्योति को लिखाई जाती है जो असीम और अथाह है, और विस्तार से इसको पढ़ाई जाती है। अच्छा, अनंत की ओर। जी हाँ। ये अनंत क्या है? ये पूर्ण ब्रह्म है जिसका अंत नहीं पाई जा सकती है। जी हाँ, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु माता जी के तरफ से ये मिलता है, सदगुरु माता जी इसको प्रदान करती हैं। आपने काफी अच्छा ध्यान लगाया इसका जी, आप भी शिक्षा करो जी थोड़ा बहुत। आप भी शिक्षा करो। वैसे वैसे शिक्षा है मेरी, बुरा मत मानना ना, क्योंकि जहाँ भी हम कहीं भी जाते हैं ना तो उसपे 100% देना चाहिए जी, जी है ना, इसमें छोटे बड़े का कोई वो तो देखो, चलो कई बार होता है भाई, जात भेद कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं रखी जाती है, छोटे बड़े और अमीर गरीब का इसमें कोई जज्बा नहीं देखने को मिलता है। अच्छा जी, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। माता जी ने ऐसा शपथ उठा, क्या बताइए? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिलाने का ये योजना, जैसे ऊंच नीच छोटा बड़ा इसमें किसी का, शेर और बकरी का तो मेल ही नहीं होता। क्यों नहीं, ये सारे यह ऐसे जैसे इसमें किसी को जाति से मजहब से कोई वास्ता नहीं रखता, हम सब एक मानव जाति ही हैं। जी हाँ। तो अगर शेर बकरी से प्यार करेगा तो खाएगा क्या? अरे क्यों नहीं खाएगा जी, जब उसकी पालन पोषण जिस तरह से होगा ऐसे ही रहेगा ना। शेर घास थोड़ा खाएगा, क्यों नहीं खाएगा जी। क्या नाम है? प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे पिया बनावे, मेरे जय है।
है वाना नू। प्यारी साध संगत जी, दासी दी दे औकात नहीं सी जिन्ना सतगुरु ने मेहर करता है। वाकया ही प्यारी साध संगत जी, ये सतगुरु का शुकराना है, पल पल शुकराना है, दम दम शुकराना है, हर पल शुकराना है। प्यारी साध संगत जी, शुकराना ही करना है, क्योंकि शुकराने का भाव ही भगती है। क्योंकि प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी ने यही सिखाया है कि जब भगती विच शुकराना मिल जाता है तो जीवन जीन का होर मज़ा आ जाता है। प्यारी साध संगत जी, शुकराना ही भगती है, तो भगती ही शुकराना है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। प्यारी साध संगत जी, दासी एक गल होर कहेगी कि प्यारी साध संगत जी, माता जी ने कहा है कि समागम विच जो भी भाव लैके आओगे मैं उस तरह ही आप जी नूं तोर देवांगी। जेकर समागम नूं इक खिडौ जेकर समागम नूं मेला समझ के आओगे तो सतगुरु खिडौना दे के सानूं तोर देवेगा। तो जेकर समागम विच खुद नूं समर्पित कर दोगे, अपने आप नूं समर्पित कर दवोगे, तो फिर जो है ये अंतरजामी है रीज जाएगा। तो फिर प्यारी साध संगत जी, साई यार ते बेड़ा पार। क्या नाम है जी? गुरप्रीत कौर, अमृतसर। प्यारी साध संगत जी, प्यार से आपने जो बताया ये क्या कुछ थोड़ा हिंदी में बताइएगा। प्यारी साध संगत जी, नहीं वैसे ही बता दो थोड़ा मोटा मोटा। हाँ, माता जी ने कहा है कि जैसे भाव लेकर आओगे समागम में वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप समागम को एक मेला समझकर आओगे तो सतगुरु जो है खिलौने देकर आपको तोड़ देगा, आपको वापस भेज देगा। अगर आप समर्पित भावना लेकर आओगे कि गुरसिख का एक कर्तव्य हुंदा अपना आप समर्पित कर देना, तो फिर जो सतगुरु है आप पर रीझ जाएगा। फिर जो है साई यार ते बेड़ा पार। प्यारी साध संगत जी, दिल से सुनाए ना। वाह जी वाह, बड़े अच्छे बताए उन्होंने भाई, जो भी बताया। और नहीं निकट गए आप सारे के सारे। आज आज कहाँ से आए हो? बिहार से। कहना बिहार से आए, बिहार से महापुरुष। आप भी पंजाब से आए हैं? आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं? सेवा दास सर। अच्छा, हम पंजाब से आए, हमारी कंटीन में ड्यूटी है। जी हाँ, बिहार से महाराज। गांव नंबर कंटीन है, नवादा बिहार से महाराज। बिहार से? तो आप दूरी से? दूरी से, पंजाब से। दूरी जोल्टर नंबर 113। अच्छा, तो क्या सीखा आपने यहाँ? जो कल का दिन था, वो कल का जो प्रोसेस थी उसमें क्या था? उसमें सबसे पहले समागम शुरुआत हुई बहुत ही अच्छे से। माता जी ने कर कमलों से अपना मतलब समागम की शुरुआत की। तो सत्संग शुरू हुआ 2 से लेकर 8 बजे तक। क्या उसमें सत्संग में बताया गया, यही तो पूछ रहा हूं ना। सत्संग में यही बताया है कि बैर नफरत को दिल से निकाल कर सब एकजुट होकर रहो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, सभी प्यार से रहे। ठीक है, ये तो पहले भी रहते आए। हाँ जी, इसको अमल कैसे करेंगे? मतलब जो नया यूथ है हमारे जैसा, अभी कोई नशा मुक्त रहे, कोई नशों में ना कोई गलत हरकतें मत करे, यही चीज खाते हैं जी। सेवा सिमरन, सेवा सत्संग से जुड़े रहिए। सत्संग। आप कहाँ से आए जी? हम पंजाब से, मोहाली से। मोहाली, ये मोहाली के परोठे खा रहे क्या? अच्छा, ये क्या, तो पहला दिन था कल तो समागम का, तो उसमें क्या कुछ बताया? यही मेरा क्वेश्चन है लोगों से। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ तो आते हैं जगह जगह से, जगह मतलब पूरे हिंदुस्तान और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं, तो हमें रहना कैसे आपस में वो दिखाते हैं। यहाँ हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, सब अलग अलग देशों से आए, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, वो सिखा रहे हैं सतगुरु कि कैसे हमने एक दूसरे से प्यार मिलवर्तन के साथ रहते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। ताकि ना कि सिर्फ यहाँ पे समागम में, समागम से बाहर भी हम कहीं विचरण कर रहे हैं तो हमारे आसपास जो भी लोग हमें मिलते हैं उनसे प्यार मिलवर्तन, उनसे सहनशीलता के साथ हमने ये। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मतलब इसमें इस मिशन से किस तरीके? 4 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। हाँ जी, तो 4 साल पहले, इससे पहले क्या किसके साथ में थे? तो 4 साल पहले जो जीवन था और अब जो जीवन है, इसमें बहुत परिवर्तन है। पहले हमें नहीं पता था कि साथ वाले के साथ हमारा कैसा प्यार होना चाहिए या कैसे, अपने से ही मतलब था, अपनी खुशियों से अपने। पर सतगुरु ने सिखाया कि अपने से पहले दूसरों की खुशियाँ मांगनी है, सबसे पहले दूसरों के भले के बारे में सोचना, अपना भला तो खुद ही खुद हो जाता है। अच्छा जी, ये इसमें कौन गुरु थे पता है अपने, इसकी हिस्ट्री के बारे में, किसने इस मिशन की शुरुआत करी?
सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन का नींव पत्थर रखा। उनके बाद सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी, फिर गुरबचन जी एंड फिर बाबा हरदेव जी सिंह जी, माता सविंदर कौर जी, अब जो साकार जी हैं सुदीक्षा महाराज। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है परमात्मा से मेल करवाया जाता है समागम के अंदर, आपने भी दर्शन करे हैं परमात्मा? हाँ जी बिल्कुल। पहले जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो हमें ये आस दे दी जाती है कि भक्ति करते जाओ, कभी ना कभी तो परमात्मा मिल ही जाएगा इस जीवन में। पर ये हमें मिशन में ये सिखाते हैं कि पहले भगवान के दर्शन करिए, उसके बाद उसके साथ प्रीत लगानी है। ये इस मिशन की यही खासियत है कि पहले परमात्मा को दिखाया जाता है, उनके दर्शन कराए जाते हैं, फिर बाद में भक्ति बिताई जाती है। तो जब दर्शन ही हो गए तो फिर उसके मतलब भक्ति करने से दर्शन हो गए तो हमारा जीवन थोड़ी वो सार्थक हो जाएगा। सार्थक हो गए जब गुरु की बातें पे चलेंगे हम। तो आपने देखा था दर्शन जो विराट रूप के दर्शन किसने करे? विराट रूप पे दर्शन करे हैं हमने। किसने करे? नहीं पहले महाभारत में पता है हमने देखा महाभारत में। हाँ जी किसने करे थे महाभारत में? महाभारत में अर्जुन को कराए थे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण ने। उसके अलावा और किसने करे थे? और किस जो सतगुरु बता रहे हैं हमारे, हमें तो हमें सतगुरु से मतलब है जो हमें कराए गए हैं। नहीं महाभारत आपने देखी है? महाभारत हाँ टीवी में देखी है। नहीं वो उसके अर्जुन के अलावा भी एक शख्स ने करे थे उसमें दर्शन, महाभारत में भी कंटिन्यू देख रहा हूँ। और उसके अलावा जो है संजय जो थे ना उसमें दृष्टर के मंत्री थे जो जो उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ना, तो संजय को की गई थी दृष्टराष्ट्र को बताने के लिए। क्यों जी?